अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर से हैं। व्यूअर, वीडियो आज की शेयर करते हैं चार फोर डैश के ऊपर मल्टी सेटअप जो सी बैंड के ई बैंड और 14 या 15 डिग्री के फ़र्क में जो सी बैंड से दूर के यू है वो है। हम सी बैंड तो वैसे ही लगाते हैं क्योंकि पाक चार फुट के ऊपर चार पाक सेट जो उसके साथ क्यों ना लगा दें बाकी जो हमारा मल्टी सेटअप होते हैं, तो इनका 4 इंच के लगभग है जहाँ पर हमने फिडारन बनाया है के यू का। तो के यू का फिडारन जो है वो है 52 और 53, ये दो सेटलेटें हैं जहाँ पे हमें दोनों मुकम्मल मिलें और मजबूत हो जाए हमारा काम। यहाँ पर मल्टी सेटअप पे तो बाकी आ सकते हैं सेटलेटें 42 होगी, 26 होगी, 21 होगी, तो लेकिन आज मैं जो एक मजबूत सेटअप दिखाने लगा हूँ फिडारन के यू सी बैंड का जो 14 डिग्री के फ़र्क में है और वो है, पहले पाक सेट के सिग्नल बना ले जितने उसके बन सकते हैं और जितने उसके मिलते हैं और जितने उसके हैं, तो उसका ये देखें। अब मेरे दूसरे फेंडर लगाता हूँ जिसकी बैटरी तो नहीं है, लिप स्पायर बैटरी मैंने लगा रखी है, वो यहाँ पर लगा के आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है 52 और 53 और ये जो 15 डिग्री का फ़र्क है इस के यू में, ये फ्रिक्वेंसी का आना लाजम है। ये आरती स्पोर्ट्स की फ्रिक्वेंसी अगर मिल जाए तो आपको 52-53 के दोनों के मिलेंगे, के यू के जो है पाक सेट के तो आपने पहले बना ले। इस तरह इतना मिल जाते हैं पक्का सिग्नल जो डिश के यहाँ मजबूत है और डिश को पूरा आप जहाँ यहाँ वहाँ करेंगे तो साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, तो पाक सेट तो आपने पहले सिग्नल जिसके आपको मिलने थे मिले थे और ये फ्रिक्वेंसी है जो आपको मिले तो मुकम्मल इसके मिलेंगे। तो ये 14 और 15 डिग्री के फ़र्क में है के यू सी बैंड में। और बाकी रही थोड़ी सी सेटिंग, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाए, तो ये भी थोड़े आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। ये है हमारा मल्टी सेटअप और बाकी जो है इनकी जो सेटिंग की जाए तो वो थोड़ा सा शेयर करते हैं। इसी के इलाके में सिग्नल पाक सेट के जितने भी हैं और हमारे यहाँ जितने हमें मिलते हैं तो 4 फुट पे वो बना लें, और मैंने भी बना लिया है। और फिर आसान फ्रिक्वेंसी लगाना लाजम होता है जो भी सेटअप बाद में करें, ये एक साइड के ऊपर जाके लगेगी, ये 3 फुट समझ लें बाकी डिश का साइज़ बचता है जहाँ पे हम ये लगाएंगे, तो ये फ्रिक्वेंसी है आसान जो ये देख सकते हो, और आसान फ्रिक्वेंसी का सिग्नल काफ़ी अच्छा बना दें तो ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ना मैंने तो बना लिया है, मतलब यहाँ पे सिग्नल पहले चेक कर लें आपको जहाँ मिलते हैं, तो फिर वहाँ पे ये बनाकर सिग्नल यहाँ पे हमें इसके मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं यहाँ कम हैं, तो कम हैं तो इसको मुकम्मल कैसे किया जाए, तो मुकम्मल ये थोड़ा राड है जो अप डाउन भी होता है, ये देखें 73 सिग्नल होंगे तो हमें अच्छे खासे सिग्नल मिलेंगे, मतलब ये सेटेलाइट के 53 और 52 के जो सिग्नल हैं मुकम्मल मिलेंगे, और यहाँ ये ऊपर नीचे हो सकती है मतलब ये अप डाउन, तो फिर थोड़ा सा यहाँ वहाँ भी तो हो सकती है। फिडारन किस लिए बनाया है? हमने इसीलिए फिडारन बनाया ताकि सिग्नल की जो कमी हो तो मुकम्मल हम कर सकें। तो बाकी डिश साइज़ 4 फुट हो, 5 फुट हो, जितना बड़ा हो तो सिग्नल बड़े होते हैं। ये देखें इसका सिग्नल हमें अच्छा मिल गया तो हमें मुकम्मल मिलेगी ये सेटेलाइट। तो अब इसको हम जब इसको डिश को अब पूरा घुमा लेते हैं तो मतलब या फिर अप डाउन करेंगे डिश को तो सिग्नल साथ में जाएंगे, क्योंकि ये दोनों फिडारन एक मजबूत हैं और मजबूत ही लगे हुए हैं। तो बाकी ये तो मैंने आरजी दो फेंडर सामने आपके रखा था, एक में बैटरी भी मेरी नहीं होती तो एक प्रूफ के साथ ताकि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, दिखाया जाए, तो या तो फिर टीवी के यहाँ फ़ायदा नहीं है क्योंकि सामने आपके जो है वो आपके सामने करके दिखाते हैं। तो ये देखें थोड़ा इसको हमने थोड़ा ऊपर किया तो सिग्नल साथ में गए, फिर जब नीचे किया साथ में आए, तो ये सेटअप हमारा है। अब इसको हम Asia 7 के ऊपर लगा दें, दोबारा अब जब पाक सेट लगाएंगे तो हमारी 52 जो है जो सेटअप है वो होगा, क्योंकि ये फिडारन एक मजबूत है, नट बोल्ट तो इसके हैं करना पड़ता है उसको मजबूत, तो इस तरह